आप सबका स्वागत है राधे कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था अल्कोहल में टेस्ट का, अल्कोहल के टेस्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अल्कोहल के टेस्ट में देखिए क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग ऑक्सीडेशन टेस्ट, अल्कोहल के टेस्ट सबसे पहले हेडिंग रहेगी अल्कोहल के टेस्ट। हिंदी में लिख लो अल्कोहल का परीक्षण, अल्कोहल का परीक्षण। ठीक है, अब इसके अंदर पहली हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन टेस्ट, ऑक्सीडेशन टेस्ट। ऑक्सीडेशन टेस्ट, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन हमने जो तुम लोगों को पढ़ा रखा है पहले से ही, क्या चीज़ पढ़ा रखी है कि हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ाई थी ना। जिनको नहीं पता है, जिन्होंने नहीं ली क्लास, तो आज फिर से पढ़ लोगे ऑक्सीडेशन टेस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिखिए पहले उसमें अल्कोहल का ऑक्सीकरण, अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय व क्षारीय, अम्लीय व क्षारीय KMnO4 तथा अम्लीय K2Cr2O7 द्वारा कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है, एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है, एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता। ठीक, अब देखो एकदम आराम समझो चीज़ें क्या कह रहे हैं। अब जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है मान लो, तो 1 डिग्री अल्कोहल कैसे बनेगा? देखो 1 डिग्री अल्कोहल लिए, हाँ, तो 1 डिग्री अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीकरण पढ़ने वाले थे। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण देखते हैं हम लोग। तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है जी, CH3OH लिया है। क्या लिया है? CH3OH। अब इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं KMnO4 की उपस्थिति में, ठीक, और ये अम्लीय माध्यम में करा रहे हैं। ठीक है, देखिए अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम चाहे किसी में भी कराइए, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन लिया गया है। क्या लिया गया? ऑक्सीजन। अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे, इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि CH3OH+O और यहाँ पे क्या लिया है KMnO4। अब कोई बच्चे इसी को ये ऐसे भी लिख सकते हैं और अलग ढंग से देख लेते हैं। जैसे CH3OH लिख दिया, यहाँ पे कर दिया O, यहाँ कर दिया KMnO4 और यहाँ कर क्या कर दिया H+। ठीक है, अब अम्लीय माध्यम हम लोग इसका क्या करा रहे हैं? ऑक्सीकरण करा रहे हैं। तो बनता क्या है? देखो हमने क्या बता रखा था पहले से कि जब भी कभी भी ऐसी रिएक्शन होगी तो उसमें जल निकलता है। क्या निकलता है? जल। अब देखिए जल कहाँ निकल रहा है सब लोग समझो। देखो यहाँ पे क्या है, ये जल वाला निकलने वाला पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? H2O निकल जाएगा यहाँ से। अब H2O अगर निकलेगा तो बचेगा क्या यहाँ पे? तो देखो H बचेगा। क्या बचेगा? केवल H आएंगे, CH और जो इससे O निकलेगा। अब यहाँ पे O दिखाया नहीं गया लेकिन तुमको तो पता है कि O यहाँ पे लिया गया है। ठीक, तीनों में है। अब इसमें दोनों में दिख रहा है जबकि ऊपर वाले में क्या है कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो भी आपको समझना है कि हाँ है। ठीक है, तब देखो क्या बनेगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O निकल गया। बचा क्या? अब HCHO इसका हुआ है ना, क्या बन जाएगा? HCHO। कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो पहली वाली रिएक्शन में तुमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन लिया गया है। आगे बात समझ में नहीं आई? जबकि दूसरी वाली रिएक्शन में क्या होगा, तुमको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन बगल में है। तो यहाँ से क्या निकलेगा? H2O निकलेगा, H2O निकलेगा। अब H2O जब निकल गया यहाँ से तो बचा क्या यहाँ पे? HCHO, वही बचा HCHO और साथ में निकला क्या है? H2O। कोई दिक्कत नहीं है? आ रहा है समझ में पूरा ना, सही से? क्यों? अब देखो इसके बाद लास्ट रिएक्शन है, उसमें भी देख लेते हैं हम लोग आराम से ही समझ लेते हैं। यहाँ से क्या निकलेगा फिर से? H2O निकला। अब H2O जब निकला यहाँ से तो बचा क्या यहाँ पे? HCHO, वही बन जाएगा HCHO और साथ में क्या निकला? H2O। नाम इसका सबको बताइए, क्या नाम है? फॉर्मेल्डिहाइड। और ये क्या बना है तुम्हारा? मेथिल अल्कोहल लिया था, मेथिल अल्कोहल। अब देखो अगर फर्क देखा जाए कि फर्क क्या है, तो पहले वाले जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, हम आपको बता दे रहे हैं लिख के नीचे,
ठीक है, जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा हमेशा, 1 डिग्री अल्कोहल हमेशा क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। ये फ़र्क है। अगर आपको प्रयोगशाला में 1 डिग्री अल्कोहल दे दिया गया है किसी परख नली में और पूछा जाएगा कि क्या बनना है, क्या पूछा जाएगा कि क्या बनना है, तो आप बता सकते हो कि क्या बनना है, एल्डिहाइड बनना है। ठीक है, नोट कर लो इसको, सभी नोट कर लो। हाँ तो नोट कर लिया होगा, चलिए आगे देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल का। अब 1 डिग्री अल्कोहल में हमेशा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ये भी याद रखना है, ये भी लिख लेना है, 1 डिग्री अल्कोहल में एल्डिहाइड बनता है। अब 2 डिग्री अल्कोहल की बारी आ गई, 2 डिग्री अल्कोहल को देखते हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल को देखते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल में जब कभी भी रिएक्शन होगी तो हमेशा कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन। तो लिख लो वहीं पे, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर हमेशा कीटोन बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पे हमेशा कीटोन बनता है। हमेशा कीटोन बनता। चलिए देखिए आगे, रिएक्शन देखिए, समझिए। अब जैसे हमने लिया है CH3CHOH और नीचे CH3, कैसे बचाना 2 डिग्री अल्कोहल है, तो देख लो एकदम आराम से। यहाँ पे OH जो है, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, जब OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री है, 3 कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री है, 1 कार्बन से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या किया है मैंने, इसका ऑक्सीकरण करा दिया है, उपस्थिति हमने लिए K2Cr2O7H+, अम्लीय माध्यम में होता है। अब जब इसमें रिएक्शन कराई है तो देखो साफ साफ दिखता है यहाँ पे कि क्या निकलने वाला है, यहाँ से निकलने वाला है जल, इधर वाला दिख रहा है भैया, HOH लिखा है, अलग अलग फॉर्म में लिखा है लेकिन है तो जल ही, HOH लिख दो, H2O लिख दो, जैसा लिख दो। ठीक है, अब क्या बन जाएगा यहाँ से देखिए, CH3CO CH3, क्या बनेगा, CH3CO और यहाँ पे CH3 निकला, क्या, जल। ठीक है, और इसको सब लोग पहचानते हो, ये कीटोन है, कीटोन, और इसका नाम क्या है वैसे, एसीटोन, एसीटोन नाम है इसका। ठीक है, एकदम सिंपल है, जल दिख रहा था, जल निकल गया है और बचा गया, तो यहाँ पे CO बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको भी, 2 डिग्री अल्कोहल में क्या बनता है, कीटोन बनता है। हाँ तो नोट कर लिया होगा इसको, चलिए देखते हैं आगे, 3 डिग्री अल्कोहल इसी में देख लेते हैं। लिखो पहले, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीकरण कराने पर एक कार्बन कम वाला कीटोन प्राप्त होता है। ठीक है, जिसमें एक कार्बन कम होगा ऐसा कीटोन मिलेगा। ओके, तो देखो एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। अब 3 डिग्री अल्कोहल का देख रहे हैं हम लोग कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पे क्या बनेगा। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया है, CH3CCH3CH3OH, ये है 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक, अभी 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीजन करा रहे हैं भैया, तो जैसे हमने ऑक्सीजन कराया इसका, तो हमने पहले ही बताया था कि जब कभी ऑक्सीकरण इसका होता है तो यहाँ पे हम लोगों के पास कमी किसकी होती है, इसकी तरह लिख लेते नीचे, हम लोग के पास कमी किसकी होती है भाई, OH तो मिल गया है, H नहीं है, क्या नहीं है, H। तब ये क्या करे कि H कहीं से उधार ले, अब ले तो ले कहाँ से, ऊपर से ले सकता है, इधर से ले सकता है, इधर से ले सकता है, तो कहीं से भी आप इसको एक H दिला सकते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग सोचते हैं कि इसको H अगर दिला देंगे तो यहाँ पे एल्कीन बन जाना चाहिए था, लेकिन एल्कीन नहीं बनता है, ये बात याद रखना है। ठीक है, एल्कीन यहाँ पे नहीं बनेगा, तो बनेगा क्या सुनना है, देखो यहाँ पे क्या निकला, H है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है आपका CH3 है, तो यहाँ से ये पूरा, अगर यहाँ से हम इसको निकाल दें, यहाँ से OH पूरा निकाल दें, तो ये पूरा कंपाउंड निकल जाएगा। अब जब ये पूरा कंपाउंड निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, O बचेगा, और वो O आकर के क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, मतलब 2 अल्कोहल बनेंगे, एक अल्कोहल हो जाएगा छोटा वाला और एक अल्कोहल उसका एक निकला हुआ रूप। ठीक, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, CH3 CCH3
डबल बॉन्ड ओ और साथ में सी एस थ्री ओ एच। कैसे देखिए, अब यहाँ पे हमने कार्बन जब लिए थे तो कितने कार्बन थे, 1 2 3 4, चार कार्बन थे और यहाँ कितने हो गए, 3 कार्बन। तो एक कार्बन कम वाला कीटोन बनता है। तो जब प्रयोगशाला में हमको प्रयोगशाला में मिला कि भैया बताना है कि कौन सा अल्कोहल हमने आपको दिया है, तो जब उसका ऑक्सीकरण कराया, देखा हमने, जैसे पहले उन्होंने मान लीजिए हमको प्रोपिल अल्कोहल दिया था, ये प्रोपिल अल्कोहल दिया, अब उसके बाद हमने उसका कराया ऑक्सीकरण, जब कराया हमने ऑक्सीकरण तो वहाँ पे क्या बना, कीटोन बना। हमने देखा उसमें तीनों कार्बन है भाई, तीन यहाँ पे भी थे और यहाँ पे भी, कितने, तीन ही कार्बन है। तो जब सेम कार्बन होगा तो 2 डिग्री है, लेकिन अगर हमको ब्यूटिल अल्कोहल दिया था, क्या दिया था, ब्यूटिल अल्कोहल दिया था, और जब हमने उसमें रिएक्शन कराई तब उसके बाद क्या होगा, एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, ठीक है, और एक क्या होगा, एक 1 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, ठीक है, एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा और एक क्या बनेगा, 1 कार्बन वाला। ओके, नोट कर लीजिए इसको भी आराम से। हाँ, तो नोट कर लिया होगा इसको भी। चलिए दूसरी राइटिंग डालिए सभी लोग, ल्यूकॉस टेस्ट। ल्यूकॉस टेस्ट पेपर में जब कभी पूछता है तो कम से कम 2 टेस्ट पूछेगा कि अल्कोहल के कितने टेस्ट हैं। देख लीजिए स्पेलिंग, LUCOS, ल्यूकॉस टेस्ट, या ल्यूकॉस परीक्षण बोल सकते हैं इसको, ल्यूकॉस परीक्षण, ठीक है, ल्यूकॉस परीक्षण। लिखिए ल्यूकॉस टेस्ट क्या होता है, अल्कोहल का विभेद ज्ञात करने के लिए, अल्कोहल का विभेद ज्ञात करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, अल्कोहल का विभेद ज्ञात करने के लिए जो टेस्ट या परीक्षण किया जाता है उसे ल्यूकॉस टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकॉस टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में सांद्र HCl व अनाद्र ZnCl2 अभिकर्मक लिया जाता है, अनाद्र ZnCl2 अभिकर्मक लिया जाता है, जिसकी अल्कोहल से क्रिया कराने पर 1 डिग्री अल्कोहल कमरे के ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं देता है, 1 डिग्री अल्कोहल कमरे के ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं देता है। ये पहला पॉइंट था उसमें, 1 डिग्री अल्कोहल कमरे के ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं देता है, 1 डिग्री अल्कोहल से पहला पॉइंट लगाना। अब लिखिए सेकंड पॉइंट में, 2 डिग्री अल्कोहल कमरे के ताप पर, 2 डिग्री अल्कोहल कमरे के ताप पर 5 मिनट की अवधि में, 5 मिनट बाद अभिक्रिया देता है। थर्ड पॉइंट, 3 डिग्री अल्कोहल उसमें 5 मिनट था, तीन डिग्री वाले में लिखिए, कमरे के ताप पर तुरंत ही अभिक्रिया देता। चलिए देखिए रिएक्शन क्या कह रहा है, एकदम सिंपल रिएक्शन है, सभी बच्चों को आती भी है रिएक्शन वाली। क्या कह रहा है रिएक्शन, कोई भी अल्कोहल लिया है हमने, ROH एक अल्कोहल होता है, अल्कोहल ले लिया है हमने, इसकी रिएक्शन कराई है HCl से, जो कि है कंसंट्रेटेड HCl से कराई है, उपस्थिति ली है ZnCl2 की जो कि अनाद्र है। अनाद्र माने क्या होता है, अनाद्र माने होता है नमी मुक्त, नमी नहीं है, एकदम सूखा हुआ है, ठीक है, अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं। तो रिएक्शन देखिए सब बच्चों को आती है, जितने बच्चे भी हैं,
देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से HCl H2O निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा H2O निकल गया, तो बचा क्या है यहाँ पे RCl और साथ में H2O, RCl बन जाएगा और क्या बन जाएगा साथ में H2O बन जाएगा। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैटर क्या फंसता है कि जब अगर ये अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है और यही रिएक्शन कराई है HCl और प्लस का अनाद्र ZnCl2, तो कमरे के ताप पर एक काम करो इसको ऊपर लिख देते हैं, कमरे के ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं देता है, नो रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है, अब देखिए 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल में यही रिएक्शन कराएंगे हम लोग, सेम रिएक्शन है, तो ये 5 मिनट बाद अभिक्रिया देगा, 5 मिनट बाद, 5 मिनट तक सोचेगा पहले कि हमको रिएक्शन करानी है कि नहीं करानी है। जबकि 3 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, यही रिएक्शन तुरंत दे देगा, इंस्टेंट तुरंत दे देगा। ठीक है, नोट कर लिए सभी बच्चे, नोट कर लिया होगा इसका भी ने। चलिए इसके बाद आगे लिखिए ल्यूकोज टेस्ट के बाद वेक्टर मेयर टेस्ट, वेक्टर मेयर टेस्ट, वेक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, अब इसको विक्टर ही बोल सकते हो, वेक्टर ही बोल सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, तो लिखिए इसमें बेटा, यहां टेस्ट अल्कोहल में किया जाता है, यहां टेस्ट अल्कोहल में किया जाता है, इस टेस्ट में अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस प्लस आयोडीन, मतलब फास्फोरस और आयोडीन से कराने पर आयोडो कंपाउंड प्राप्त होता है, आयोडो कंपाउंड प्राप्त होता है, जिसकी सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया कराने पर नाइट्रोजन युक्त यौगिक प्राप्त होता है। जिसकी नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराने पर दो नाइट्रोजन युक्त यौगिक प्राप्त होते हैं तथा अंत में NaOH से अभिक्रिया कराने पर अंत में NaOH से अभिक्रिया कराने पर 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर देता है 2 डिग्री अल्कोहल नीला रंग देता है, 3 डिग्री अल्कोहल कोई अभिक्रिया नहीं देता है,
कोई अभिक्रिया नहीं देता है, या कोई अभिक्रिया की जगह ये भी लिख सकते हो कोई रंग नहीं देता है, कलरलेस रहता है। देखिए रिएक्शन एकदम आराम से समझिए। अब इसमें करना क्या चीज़ है कि भैया हम लोगों को समझना है कि किससे कौन सी रिएक्शन चल रही है। अब जैसे 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, 1 डिग्री अल्कोहल की जैसे CH3OH, CH3CH2OH ले लिया मैंने, सबसे पहले किससे करानी है हम लोगों को बस समझते हैं ना। देखिए मेन कंपाउंड ही इसमें क्या करना है बनाने हैं, जो निकलने वाले कंपाउंड है माइनर कंपाउंड है उनको छोड़ते जाना है, ठीक है। केवल मेन मेन कंपाउंड देखने कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहले है P+I2, तो ये रिएक्शन क्या है P+I2 फास्फोरस और आयोडाइड से क्रिया है, ठीक है। तो इसको हमने कैसे पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था PCl3 से क्रिया, किससे कराई थी PCl3 से, या PCl5 से क्रिया पढ़ाई थी, कराई थी ना, ठीक। सेम वही है यहाँ पे भी। अब देखो अगर समझो थोड़ा, नीचे हम लोग देख लेते हैं हल्का सी RC, हमने ये लिया था ROH, और थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा, हो जाएगी ऐसे, अच्छा ठीक। किससे PCl5 से रिएक्शन कराई थी हमने, तो बताया था POCl3 जरूर बनता है, साथ में HCl बनता है, HCl बनता है, और साथ में क्या बचा है R बचा है और Cl बचा है, RCl बचा है। फिर से देख लेते हैं, देखो POCl3 बन गया है, तो ये ऑक्सीजन ऑटोमेटिक निकल गया है, H कहाँ गया है Cl के साथ चला गया है, और क्या बचा है RCl के साथ जुड़ गया है, ठीक है। क्लोरो कंपाउंड बनता है ऐसा था वहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लिया गया था, क्या लिया गया था क्लोरीन, तो यहाँ पे भी क्या बना था क्लोरीन बना था। अब यहाँ पे समझना है आयोडीन लिया गया, क्या लिया गया आयोडीन, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा आयोडीन ही वाला ही कंपाउंड बनेगा, मतलब क्या बन जाएगा, इसको हटा देंगे OH, देखो हटा है OH, हटा है OH की जगह पे क्या आ गया था Cl आ गया था, यहाँ पे OH की जगह पे क्या आ जाएगा आयोडाइड आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा I, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, CH3CH2I बन गया। अब इसके बाद क्या किया है मैंने, ये रिएक्शन केवल आपको बताने के लिए थे एग्जाम्पल में। अब आगे देखिए, इसके बाद मैंने इसकी रिएक्शन कराई है AgNO2 के साथ, सिल्वर नाइट्राइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे निकलेगा क्या यहाँ से Ag, अगर यहाँ Cl होता, यहाँ क्या होता Cl होता, तो हम लोग क्या मानते AgCl निकल जाता, क्या निकल जाता AgCl निकल जाता, यहाँ पे NO2 जुड़ जाता अगर के, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3CH2 और NO2, जो निकला है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, याद रखना है ये बात। अब उसके बाद क्या किया है मैंने, इसके बाद कराई है HNO2 से रिएक्शन नाइट्रस अम्ल से कराएंगे। अब यहाँ पे तो मैटर ये फंस गया कि भैया आगे वाले में तो कुछ नहीं होगा, ये दोनों सेम कंपाउंड है, तो इन्हीं को दोनों ना आपस में चेंज कर लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखना पड़ेगा रिएक्शन कैसे होगी। तो देखो अगर इसको सही से लिख लेते हैं, HNO2 जो था उसको सही से लिख लेते हैं HNO, ये हमने सही से लिख लिया है HNO2 को। अब HNO2 जब सही से कराएंगे रिएक्शन, तब निकलेगा क्या यहाँ से निकलेगा, देखो H2O निकल जाएगा, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, और यहाँ से भी एक H निकल जाएगा, H2O निकल गया। तो बचा क्या है यहाँ पे, देखना है यहाँ पे लिखना है सही से चीज़ें, ब्लैक से ही लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखना है CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ एक H कम हो गया तो एक H बचेगा, और आगे NO2 जैसे चल रहा था वैसे। अब नीचे क्या जुड़ा है N और O, N जुड़ा है और साथ में क्या जुड़ा है O जुड़ा है, NO जुड़ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। अब इसके बाद आगे देखते हैं, जब ये बन गया है, अब इसकी किससे कराई गई है, इसकी कराई गई है लास्ट में NaOH से, किससे कराई गई है NaOH, इसी में करा लेते हैं आगे यहीं पर NaOH, तो ये रेड कलर देता है, कैसा देता है रेड, क्यों, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल था, इसमें आगे रिएक्शन नहीं होती, याद रखना है रिएक्शन में क्या बनेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा कंपाउंड बनता है, ठीक है। ये रेजिन है, देखो जहाँ कहीं पे भी केमिस्ट्री में कलर आ जाए, क्या आ जाए कलर, समझ लीजिए दो चीज़ें बन सकती हैं, या रेजिन बनेगी या डाई बनेगी। रेजिन क्या होता है, रेजिन वो कंपाउंड होता है जिसका प्रयोग हम लोग किसी चीज़ में कलर डालने के लिए करते हैं, या डाई, डाई तो आप लोग जानते ही क्या होता है, ठीक है। नोट कर लो इसको, 1 डिग्री अल्कोहल की भी कराइए, नोट कर लिया है सभी ने, चलिए 2 डिग्री अल्कोहल में देखते हैं। अब इसी में सही कर लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे किया है CH3 यहीं जोड़ दिया है, अब ये हो गया CH3CHOH CH3, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल लिया है। अब 2 डिग्री अल्कोहल की कराई है रिएक्शन फास्फोरस और आयोडाइड से, जब फास्फोरस आयोडाइड से कराएंगे फिर आयोडो कंपाउंड बनेगा, तो आयोडो बस यही तो नीचे जुड़ रहा है,
यही तो नीचे जुड़ जाएगा जाकर के, बाकी तो सेम ही कंपाउंड चल रहा है। देखो OH था यहाँ पे, OH हट के I जुड़ गया। अब उसके बाद जब फिर से AgNO2 के साथ कराएंगे तब क्या होगा, फिर यहीं पे सेम रिएक्शन होगी और नीचे वही CH3 जुड़ा रहेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद जब HNO किससे कराइए, HNO2 से कराइए, जब HNO2 से कराएंगे तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है क्या होगा, क्या बनेगा देखना। देखो ये है OH, यहाँ से दिख रहा है कि OH अलग होगा, OH अलग होगा ये दिख रहा है। अब ऊपर H कहाँ से लिया जाए, तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, जहाँ पे NO2 जुड़ा होता है, जिस कार्बन से NO2 जुड़ा होता है उसी कार्बन से ही H निकालना है, उसी कार्बन से H निकालना है, मतलब याद आया जाएगा। तो H HO निकल गया, H2O निकल गया, तो बचा गया यहाँ पे CH3 C और यहाँ CH3, तो यहाँ पे CH3 हम लोग जो नीचे जुड़ा है उसको ऊपर जोड़ देंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ऊपर नीचे जोड़ के। तो CH3 कार्बन CH3 और NO2 ऐसे ही पहले वाला, और नीचे क्या जुड़ जाएगा, NO आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं आता। अब ये भैया 2 डिग्री अल्कोहल हमने जैसे ही देखा तो यहाँ पे रेड ना आकर के क्या जाएगा, ब्लू आ जाएगा, तो ये ब्लू कलर देता है, ठीक है पूरा नोट कर लीजिए एकदम आराम से। तो नोट कर लिया होगा ये सबने। अब देखते हैं 3 डिग्री वाले अल्कोहल, कुछ नहीं करेंगे इसी में ही चेंज करेंगे, और कुछ नहीं है इसी में ही चेंज करना है, हम लोग इसी में ही जोड़ देंगे, यहाँ से H हटा करके ऊपर CH3 कर दिया है, तो ये बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। अब कुछ कुछ रिएक्शनें इसमें नहीं होंगी, कैसे नहीं होंगी और चलते रहिए और बताते रहेंगे हम आपको। अब देखो यहाँ पे OH जुड़ा था, क्या जुड़ा था, OH, OH निकलेगा तो ये जो यहाँ पे है I जुड़ जाएगा और कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ऊपर CH3 वैसे ही बना रहेगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जब AgNO2 से कराएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यहाँ पे ऊपर क्या जुड़ जाएगा, CH3 ही जुड़ जाएगा। अब CH3 जुड़ गया ऊपर, अब उसके बाद आने लगेगी दिक्कतें, क्यों दिक्कत आएगी, जब यहाँ पे HNO2 से रिएक्शन कराएंगे, किससे रिएक्शन कराएंगे, HNO2 से, तब क्या होगा, क्योंकि हमने क्या बताया था, उस कार्बन से रिएक्शन होती है, उस हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है जो NO2 के बगल वाले कार्बन से जुड़ा होता है, और यहाँ पे NO2 के बगल में क्या नहीं है, हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इन CH3 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 वाले हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं होती है, मतलब यहीं पे ही मैटर खराब हो जाता है, यहाँ पे ही कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, मतलब नो रिएक्शन आएगा यहाँ पे, नो रिएक्शन। और यहाँ पे भी जब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुई, यहाँ कोई कंपाउंड नहीं आया, यहाँ कोई कंपाउंड नहीं आया है, तो यहाँ पे कोई कलर भी नहीं आएगा, तो कलरलेस होता है, कलरलेस, ठीक है नोट कर लीजिए। 3 डिग्री अल्कोहल है भी, हाँ तो ये अल्कोहल के टेस्ट थे, ठीक। 3 डिग्री अल्कोहल में क्या हुआ, कलरलेस होगा, 1 डिग्री अल्कोहल में आपका लाल था, दूसरे में क्या था, नीला था, और तीसरे वाले में क्या हो गया, कलरलेस हो गया, ठीक। तो ये अल्कोहल के टेस्ट यहीं तक खत्म होते हैं, आज की क्लास यहीं तक खत्म करते हैं, ठीक है। जिसने भी अभी तक इंस्टाग्राम टेलीग्राम FB पेज और यूट्यूब पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए, बेल आइकन क्लिक कर रखिए, ताकि आपकी कोई भी लाइव क्लास खत्म नहीं होनी चाहिए, और अधिक से अधिक लोगों में लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।